क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि किसी की मौत होने वाली है, बट मौत होने से पहले उस इंसान को पता चल जाए कि मेरी मौत होने वाली है, तो वो प्लानिंग बना के अपनी मौत को टला दे? नहीं सोचा होगा ना, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। बट नेटफ्लिक्स पर ऐसी ही कहानी की कुछ दिन पहले एक मूवी रिलीज हुई थी। उस मूवी का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन। इस मूवी की कहानी के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस मूवी के 5 पार्ट्स है और सभी पार्ट्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुके हैं हिंदी डबिंग में। और ये मूवी में ऐसा ही दिखाया गया है कि बच्चे जो हैं वो, उनको मौत होने से पहले सपना आता है कि हमारी मौत होने वाली है, तो वो लोग अपने और अपने दोस्तों को बचा बचा के पहले ही निकाल लेते हैं उस जगह से। बट अब ये बच्चे जो हैं वो ये सोचने लगे हैं कि हमने मौत को मात दे दी, हमने मौत को टला दिया, तो अब मौत को ये सहन नहीं हो रहा कि हम उससे बच कैसे गए। तब मौत और भी ज्यादा खतरनाक प्लानिंग बना रही है हमें मारने की। तो सुनने में आपको भी थोड़ा अजीब लगा ना कि मौत प्लानिंग बना रही है बच्चों को मारने की? मुझे भी सुनने में थोड़ा अजीब लगा था, बट मूवी में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि ये बच्चों की जब मौत होने वाली थी तब ये मरे नहीं, तो अब मौत और भी ज्यादा खतरनाक प्लानिंग बना रही है कि आखिर इनको किस तरीके से मारूं। तो फिल्म के हर एक पार्ट में ऐसा ही कुछ दिखाया गया है कि कोई ना कोई बच्चों को ऐसे सपना आता रहता है कि हमारी मौत होने वाली है, हमारे दोस्तों की मौत होने वाली है, वो ये सभी को बचा के लेके आ जाते हैं। बट शुरुआत में ये लोग उनको पागल पागल बोलते रहते हैं कि क्या तू ऐसी हरकतें कर रहा है पागलों जैसी। बट जब एंडिंग में आके सच में वो इंसिडेंट होने लगता है उनके साथ, तब जाके भरोसा करते हैं, हाँ भाई ये तो सच बोल रहा था हमारा दोस्त। हर एक पार्ट में नई नई कहानी बताई गई है, तो ये चीज मुझे देखने में अच्छी लगी कि हर एक पार्ट में नई कहानी बताई गई है। साथ ही इन सभी 5 पार्ट में से मुझे सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा देखने में? 4th और 5th पार्ट जो है फाइनल डेस्टिनेशन के, वो पार्ट मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे देखने में। क्यों? क्योंकि इनमें मौत और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, बच्चों को मारने की और भी ज्यादा खतरनाक प्लानिंग बना रही है 4th और 5th पार्ट में। तो इसी वजह से मुझे 4th और 5th पार्ट ज्यादा देखने में अच्छे लगे। आप अगर देख चुके हो फाइनल डेस्टिनेशन के सभी पार्ट्स, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स पर सभी पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं, देखो और देखकर कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा, मूवी आप फैमिली के साथ मत देखना, अकेले ही देखना, क्योंकि मूवी में क्राइम्स के काफी ज्यादा सीन्स है। क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि मौत इतनी खतरनाक प्लानिंग बना रही है बच्चों को मारने की, तो वो बच्चे किस तरीके से मरते हैं वो सब मूवी में दिखाया गया है। तो मूवी अकेले ही बैठ के देख लेना। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा इस मूवी के बारे में, जैसा कि मूवी के 1st पार्ट में दिखाया गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो प्लेन में चढ़ते हैं पेरिस जाने के लिए, बट उनमें से एक लड़की को सपना आता है कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है, तो वो वहां से तो बच के निकल जाता है। तो फिल्म की कहानी भी प्लेन से ही शुरुआत करी थी, पेरिस जाने वाला प्लेन क्रैश हो जाता है, और 5th पार्ट में फाइनल डेस्टिनेशन का जो 5th पार्ट है उसमें एंडिंग भी इसी उससे करी है कि कुछ बच्चे पेरिस जा रहे हैं और उनमें से एक को सपना आता है ये प्लेन ब्लास्ट होने वाला है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, मतलब जहां से फिल्म की शुरुआत करी थी वहीं पे ही आके मूवी की एंडिंग करी है, तो इस बात में मूवी अच्छी लगी। स्टोरी लाइन भी जबरदस्त है, बस एक डायलॉग मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि मौत बच्चों को मारने की प्लानिंग बना रही है। ये डायलॉग सुनने में थोड़ा अजीब लगा मूवी में, बट ओवरऑल मेरा रिव्यू तो फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के लिए ऐसा ही था। आप देखकर कमेंट में अपना रिव्यू बताना आपको मूवी कैसी लगी देखने में।